इस वीडियो में काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों को गिनना, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं, इसको गिनने के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला फिगर में एक त्रिभुज है जो क्लियर पता चल रहा है, सिर्फ एक त्रिभुज। इसमें तीन त्रिभुज है, तीन कैसे हैं, दो अंदर है और एक बड़ा वाला, तीन त्रिभुज है। ये छोटा है, इसको आसानी से पता कर ले, लेकिन इस सब को पता करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको हम कैसे ट्रिक से पता करेंगे। वन और टू कैसे आया, थ्री, तो वन और टू, फिर इसको तरीका से वन प्लस टू यूज करेंगे तो मेरा तीन आएगा। तीन 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 ट्रायंगल है इसमें, इसमें भी काउंटिंग लिखेंगे वन टू थ्री। अब इस सब को काउंट करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। सिक्स कैसे हैं, वन टू थ्री, थ्री तो अंदर में है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, फोर, और एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा फाइव, और एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा सिक्स। तो इस तरीका को यूज करते हुए बड़ा से बड़ा फिगर अंदर में जितना भी ट्रायंगल दे देगा उस सबको काउंट कर लेंगे आसानी से। फिर इसमें भी वही तरीका यूज करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब काउंट कीजिए सबको, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, सबको काउंट कीजिएगा, फाइव फोर नाइन, नाइन थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व टू फोर्टीन, और वन फिफ्टीन। इसमें फिफ्टीन ट्रायंगल है, और कोई जो बच्चा ट्रिक नहीं जानता होगा वो ट्रायंगल को काउंट करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, और काउंट करते करते बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। आप सिर्फ ट्रिक जानेंगे, फटाफट इसको ऐड करेंगे और जितना भी अंदर में ट्रायंगल हो उसको पता कर लेंगे। इसको आसानी से भी सॉल्व करने के लिए एक और ट्रिक सॉल्व करते हैं, एक और ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं, मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर। आप पढ़े होंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू एन इन टू एन प्लस वन बाई टू, मीन्स प्राकृति संख्या का जोड़। अगर आपको काउंटिंग जोड़ने के लिए बोल दे एक से दस तक, तो आप एक से दस तक ऐसे लिखेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फाइव प्लस टेन, टेन तक बहुत टाइम लग जाएगा। इसको काउंटिंग नंबर को जोड़ने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, एन इन टू एन प्लस वन बाई टू। इससे हम 20 तक काउंटिंग बोले एक से, या 50 तक बोले, 100 तक बोले, जहां तक बोले उसको n के जगह पर डाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहां ये फार्मूला को हम लोग यूज करके आसानी से सेकेंडों में यूज कर लेंगे। n का मतलब है सबसे अंदर में कितना ट्रायंगल है, अंदर में 5 ट्रायंगल है तो n के जगह पर 5 लिखेंगे, और फिर 5 प्लस 1 बाई 2। अंदर पहले जोड़ेंगे 5 प्लस 1 6, तो 5 × 6/2 इसको कैंसिल करेंगे तो 3 5 3 15। इसको माइंड में भी कर सकते हैं सेकेंडों में और आंसर आ जाएगा। जो बच्चा नहीं जानता होगा ट्रिक, अकाउंट करते करते पता ही नहीं चले इसमें 15 ट्रायंगल है, सिर्फ ज़्यादा से बोलेगा तो 6 ट्रायंगल है, 7 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल ऐसे करेगा और गलत ऑप्शन कर मार देगा और एग्जाम में गलत करके आ जाएगा। इसलिए इसको ट्रायंगल को पता करने के लिए हम लोग दो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, एक ट्रिक इसको यूज़ करेंगे फटाफट काउंट करके, और एक ट्रिक इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, आप खुद ट्राई कीजिए पहले सॉल्व करने का, फिर उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। इसको काउंट करेंगे, फाइव, सिक्स प्लस फाइव एलेवन, एलेवन फोर फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री एट्टीन, एटीन टू ट्वेंटी, और वन ट्वेंटी वन। इसमें 21 ट्रायंगल है। इसको और आसानी से करने के लिए सिक्स इंटू सिक्स प्लस वन अब बाई टू, तो सिक्स इंटू सेवन बाई टू, थ्री, सेवन थ्री या 21। फटाफट पता कर देंगे इसमें 21 ट्रायंगल है। अब कौन काउंट करते जाएगा एक घंटे तक कितना ट्रायंगल है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा और सोल्व करने में, काउंट करने में प्रॉब्लम भी हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिक तरीका जानेंगे कैसे इसको सोल्व करेंगे और जल्दी से फटाफट सोल्व कर देंगे, टाइम लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वन टू थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन एट। अब ऐसे काउंट करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट। अब काउंट करते जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, एट सेवन फिर भी काउंट करते हैं, एट सेवन फिफ्टीन, फिफ्टीन छः ट्वेंटी वन, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स फोर थर्टी, थर्टी थ्री एंड टू थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स, इसमें थर्टी सिक्स ट्रायंगल है। इसको और आसानी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या का जोड़ एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन जहाँ मेरा सबसे अंदर में जितना भी ट्रायंगल है उसको एन मानेंगे, तो यहाँ एट लिखेंगे, एट प्लस वन बाई टू, तो एट इंटू एट प्लस वन नाइन, नाइन बाई टू फोर, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, मेरा थर्टी सिक्स ट्रायंगल फटाफट पता कर देंगे। इसमें काउंट नहीं करने जाएंगे, एक घंटे गिनने नहीं जाएंगे कि एक ट्रायंगल हुआ, दो ट्रायंगल हुआ, तीन ट्रायंगल हुआ, ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा और गलत भी होगा। इससे बेहतर है हम इस ट्रिक का यूज़ करें, नहीं तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग ट्रायंगल के जितना भी अंदर में ट्रायंगल होगा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, दूसरे टाइप का ट्रायंगल किस टाइप से होगा। अब इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इस चारों फिगर में कितने त्रिभुज हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्लियर पता चल रहा है वन है, इसमें दो है, तीन नहीं दो, एक एक पूरा वाला बनेगा और एक यहाँ से ट्रायंगल, दो ट्रायंगल। इसमें कितना है, एक तो ऐसे बनेगा वन, फिर यहाँ से आएंगे दो, और फिर ऐसे इस टाइप से नीचे आएंगे, तीन ट्रायंगल है इसमें, तीन ट्रायंगल है। इसमें कितना है, एक ऐसे बनेगा वन, फिर बनेगा टू, फिर एक और बनेगा थ्री, फिर एक और नीचे से आएगा फोर, इसमें फोर है। इसे पता चलता है जितना हॉरिजेंटल लाइन है मीन्स क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं, जितना हॉरिजेंटल लाइन होगा उसमें उतना ट्रायंगल होगा। इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन है तो एक ट्रायंगल, इसमें दो हॉरिजेंटल लाइन है तो दो ट्रायंगल, इसमें तीन हॉरिजेंटल लाइन है तीन ट्रायंगल, इसमें चार हॉरिजेंटल लाइन है वन टू थ्री फोर, तो चार ट्रायंगल। इसी टाइप से आपको फिगर दे देंगे एक और, इसमें बोलेंगे कितना ट्रायंगल है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, पांच हॉरिजेंटल लाइन है तो इसमें पांच ट्रायंगल है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन को काउंट करेंगे और पता करेंगे कितने ट्रायंगल है। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें दोनों है, हॉरिजेंटल लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है, हॉरिजेंटल लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी, हॉरिजेंटल लाइन भी, मीन्स लंबवत रेखा क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा क्षैतिज रेखा भी है। अब कैसे दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें कितना ट्रायंगल है, वीडियो को पॉज करके फर्स्ट खुद से पहले ट्राई कीजिए कितना ट्रायंगल है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को भूलेंगे, इस लाइन को हटाएंगे, वन और टू, वन प्लस टू मेरा थ्री ट्रायंगल है, और जितना हॉरिजेंटल लाइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स थ्री इंटू टू, इसमें सिक्स ट्रायंगल है, मीन्स तीन को इससे बन रहा है, फिर तीन को पूरा से बन रहा है, छः ट्रायंगल है। फिर इसमें वन टू थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री, सिक्स ट्रायंगल है, और कितना लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, एक और दो, तो सिक्स को टू से मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट पता कर लेंगे, बारह ट्रायंगल है। काउंट करने नहीं जाएंगे घंटे तक कितना ट्रायंगल है, इसमें बारह ट्रायंगल, इसमें छः ट्रायंगल है। अब इस फिगर में पता कीजिए कितने ट्रायंगल हैं, आपको सारा ट्रिक सारा कंसेप्ट पता है, खुद से वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वर्टिकल लाइन में लेते हैं, वन टू
थ्री फोर, काउंट करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, 4 × 3 = 7, 7 × 9 = 9, 1 = 10, 10 × 10 = इस टाइप से है, 10 ऐसे है, फिर कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1, 2, 3, फिर 10 को 3 से गुना करेंगे, इसमें 30 ट्रायंगल है, 30 त्रिभुज है इस फिगर में। अब इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पूरा को काउंट कीजिए कितना, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15, और कितना लाइन है, 1, 2, 3, 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लिकेशन, 60, इसमें 60 त्रिभुज, 60 इस फिगर में, 60 ट्रेंगल, 60 त्रिभुज है इस फिगर में। अब टाइप 4 के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितना ट्रेंगल है, इसमें कितना ट्रेंगल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल में, त्रिभुज में, जब एक अंदर में त्रिभुज हो और वो त्रिभुज तीनों भुजा को टच करते हो करता हो तीनों साइड को टच करता है, तो उसको हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, पहले 1, 2, 3, 4, 4 ट्रायंगल तो अंदर ही हो गया और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें 5 ट्रायंगल है। मीन्स अगर एक ट्रायंगल हो उसके अंदर एक ट्रायंगल हो तो उसके अंदर 4 ट्रायंगल बनता है, तो इसी कंसेप्ट से इसको सोल्व करेंगे। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को हटा देते हैं, एक ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो 4 तो अंदर बनेगा, 1, 2, 3, 4, तो 4 ए ट्रायंगल हो गया। फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस बड़ा वाला ट्रायंगल के नीचे है तो 1, 2, 3, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, 4 यहाँ हो गया और एक ही बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो मेरा 9 ट्रायंगल हो गया। फिर से देखते हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल अंदर में है तो 1, 2, 3, 4 इधर हो गया, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के नीचे अंदर में है तो 1, 2, 3, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से लेंगे तो एक यहाँ से 4 हो गया और एक इस बड़ा वाला ट्रायंगल को काउंट करेंगे, फिर 9, इसमें 9 ट्रायंगल है। अब इस फिगर में बताइए कितना त्रिभुज है, तो इस फिगर में पहले बड़ा सब ट्रायंगल को छोड़ते हैं, इस ट्रायंगल को लेंगे, इसको और नीचे अंदर में इस ट्रायंगल को, इस त्रिभुज को, तो 1, 2, 3, 4, 4 तो ऐसे हो गया, एक बड़ा वाला 5, तो 4 इससे लेते हैं पहले, फिर इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के अंदर ए ट्रायंगल को लेंगे, ऐसे ए ट्रायंगल बड़ा वाला है, इसके अंदर इस ट्रायंगल को, तो 1, 2, 3 और एक इस पूरा वाला ट्रायंगल को काउंट करेंगे तो 4 यहाँ से, 8 हो गया। अब इस फिगर को लेंगे, ए वाला ट्रायंगल को और ए बड़ा वाला ट्रायंगल को, तो 1, 2, 3 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ऐसे 4, 4 यहाँ से हो गया और एक काउंट करेंगे बड़ा होल वाला ट्रायंगल, 1, तो कितना टोटल हो गया, 13 ट्रायंगल, इसमें कुल 13 ट्रायंगल है। फिर से एक बार देखते हैं, ए ट्रायंगल है पहले, इसके अंदर में एक ट्रायंगल है, 1, 2, 3, 4 और एक ट्रायंगल पूरा, तो इसको ये ट्रायंगल पूरा वाला है उसको अभी नहीं काउंट करेंगे, पहले 4 ही लेते हैं, 1, 2, 3, 4, उस 4 को हम यहाँ लिख दिए। फिर अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर में एक ए ट्रायंगल है बड़ा वाला ट्रायंगल, तो 1, 2, 3 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल अब काउंट करेंगे तो 4 यहाँ हो गया। अब इसको फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल को काउंट करते हैं तो 1, 2, 3 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 4 हो गया। अब फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ बाहर वाला जो है वहाँ पर 1 काउंट करेंगे तो कुल 13 ट्रायंगल हो गया, टोटल 13 ट्रायंगल इसमें हो गया। कोई भी ट्रायंगल के अंदर में एक ट्रायंगल हो तो अंदर में 4 ट्रायंगल बनता है, बशर्ते वो ट्रायंगल
ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड को टच करता हो, तीनों भुजाओं को टच करता हो, तब उसके अंदर चार ट्रायंगल बनता है। अब इस फिगर में बताइए कितना ट्रायंगल है, पहले खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद हम फिर बताते हैं इस फिगर में कितना ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इस सब को भूलिए, इस टाइप वाला फिगर में आप लोग पढ़े हैं पहले, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन हो तो 1 2, 1 प्लस 2 3 ट्रायंगल होगा, तो 3 3 और 3 9 तो मेरा यहाँ से आ गया, अब प्लस में एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, +1 10 और एक एंगल, एक ट्रायंगल बड़ा वाला +1 मीन्स 11, टोटल 11 त्रिभुज है इसमें। फिर से एक बार देखते हैं, इसमें 3 मीन्स 1 2, इससे 3 बना, 1 2 इससे भी 3 बना, फिर 1 2 इससे भी 3 बना, 3 6 9, 9 ट्रायंगल ऐसे हो गया, और एक ट्रायंगल को ऐसे काउंट करते हैं 10 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 11। इस फिगर में पूरे 11 ट्रायंगल हैं। अब इस फिगर में चलते हैं, इस फिगर को भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, 1 2 1 2 1 2 3 3 3 9 यहाँ से पता हो गया, उसके बाद 10 11 12 13, इसमें कितना है 1 2 3 4, 4 अंदर में प्लस एक बड़ा वाला लेंगे, ए वाला जो है +1 और एक इस बड़ा वाला ट्रायंगल को, पूरे होल को 1, कितना हो गया 15, टोटल इसमें 15 ट्रायंगल है। अब इस फिगर में बताइए कितने ट्रायंगल हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से ट्राई करने का कितने ट्रायंगल है काउंट करके, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। इधर से भी काउंट करने पे तीनों साइड से पहले चेक करेंगे, तीनों साइड से कितना कितना ट्रायंगल है, तीनों साइड से अगर सेम नंबर का ट्रायंगल हो तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक ए ट्रिक का यूज करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग लिख लेंगे, कितना ट्रायंगल है इधर से भी काउंट करते हैं, 1 2 3, अब नीचे बेस में आते हैं 1 2 3 और यहाँ आते हैं 1 2 3, तीनों साइड से तीन तीन ट्रायंगल हमको पूरा हो रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3, अब यहाँ पे 1 को 1 ही लिखेंगे, इस 1 को आगे वाला नंबर में जोड़ेंगे तो 1 और +2 3 हो जाएगा, इस 3 को फिर इस नंबर में जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 6 और सबको जोड़ देंगे, 3 6 3 9 9 1 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद अब नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाने के क्रम में फर्स्ट डिजिट को छोड़ने के बाद सेकेंड डिजिट लिए, फिर थर्ड को छोड़े, फोर्थ को लेंगे, एक एक गैप करके एक नंबर को लेना पड़ता है। पहले इसको काउंट करेंगे, कैसे काउंट किए, 1 को 1 लिखे, फिर इस 1 को 2 में जोड़े तो मेरा 3 आया, फिर इस 3 को अगले नंबर में जोड़े तो मेरा 6 आया, सबको ऐड कर दिए तो 10 आया। अब 10 आने के बाद नीचे से एक नंबर छोड़ के आगे, फिर आगे वाला नंबर को छोड़ के एक एक गैप करके नंबर को इसमें ऐड करना पड़ता है, तो 6 को छोड़ देंगे, 3 को ले लेंगे, तो 3 को लेंगे तो 10 प्लस 3 कितना होगा 13, इसमें टोटल 13 ट्रायंगल है। इस वाले फिगर में टोटल 13 ट्रायंगल है। फिर से इस कंसेप्ट को समझेंगे, एक को तो एक ही लिख देंगे, फिर एक में 2 को जोड़ेंगे तो मेरा 3 आया, 3 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये टोटल को काउंट करेंगे तो 10 आएगा। अब कंसेप्ट बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और एक छोड़ करके आगे वाला डिजिट को लेना पड़ता है, उस डिजिट को काउंट ऐड करेंगे तो मेरा 13 ट्रायंगल होगा। ये फिगर वीडियो का लास्ट फिगर है, इसको पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कितना ट्रायंगल है।
इधर से भी, इस साइड से भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4, इधर भी 4 है, 1 2 3 4, इस साइड से भी 4 है, 1 2 3 4, इधर से भी 4 है। अब इसको वही ट्रिक से यूज़ करेंगे, उसी ट्रिक को यूज़ करके फिर इसमें पता करेंगे इसमें कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख देंगे। उसके बाद 1 का यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, इस 1 को इसमें जोड़ेंगे तो मेरा 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर इस 3 को आगे वाला डिजिट में जोड़ेंगे तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा, फिर इस 6 को 4 में जोड़ेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा। अब इस सब को ऐड कर देंगे, 6 3 9 9 1 10, कैरी 1 2 20, ऐसे आ गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक को छोड़ के दूसरा का डिजिट लेना पड़ता है, तो 10 को छोड़ देंगे हम, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, तो 6 + 1 = 7 और ऐड करेंगे, इसमें टोटल 27 ट्रायंगल है। थैंक यू।